हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनके क्लासेस। आज हम लोग थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पढ़ने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो तक मैंने दो कैरेक्टरिस्टिक कवर कर लिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। आज जो हम लोग थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने वाले हैं वो है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। इस कैरेक्टरिस्टिक का एविडेंस हम लोगों को डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन पर बेस्ड एग्जाम्पल से मिलता है। आज हम लोग डिफ्यूजन पे बेस्ड दो एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है डिफ्यूजन इन गैसेस और सेकेंड एक्सपेरिमेंट है डिफ्यूजन इन लिक्विड। तो चलिए अब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को डिटेल में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था डिफ्यूजन इन गैसेस। इस एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल है फ्रेग्रेंस ऑफ इंसेंस स्टिक, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में अगरबत्ती बोलते हैं। हम लोग डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं जब हम लोग अगरबत्ती एक कॉर्नर में बर्न करते हैं तो वह पूरे रूम में स्प्रेड हो जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का फेनोमेना जानेंगे और उसी के साथ ये प्रूफ करेंगे कि जो मैटर के पार्टिकल हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। तो चलिए अब इसके फेनोमेना को पॉइंट वाइज समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जब हम लोग इंसेंस स्टिक को बर्न करते हैं तो उसमें से गैस प्रोड्यूस होता है जिसका प्लीजेंट स्मेल होता है। हम लोगों को पता है गैस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही वीक होता है, जिसके कारण गैस रैंडमली सभी डायरेक्शन में मूव करता है। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं। हम लोगों को पता है एयर सभी जगह प्रेजेंट है, तो हम लोगों ने जब इंसेंस स्टिक को जलाया उस रूम में भी एयर प्रेजेंट था, तो एयर के पार्टिकल भी रैंडमली सभी डायरेक्शन में मूव करते हैं और जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो गैस के जो पार्टिकल्स हैं जो अगरबत्ती से प्रोड्यूस हो रहे हैं उससे कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। और हम लोग थर्ड पॉइंट में देखते हैं, जब ये फ्रेग्रेंस ऑफ गैस फाइनली हमारे नोज तक रीच कर जाती है तो हम लोग को प्लीजेंट स्मेल फील होता है। अब चलिए हम लोग इसके शॉर्ट समरी देख लेते हैं। सपोज करिए ये एक रूम है, इस कॉर्नर पर मैंने अगरबत्ती जला दिया और इस कॉर्नर पे मैं, आप और हमारे दो दोस्त साथ में मिलकर पबजी खेल रहे हैं।
अब हम लोग कुछ देर बाद ऑब्जर्व करते हैं कि हमें कुछ प्लीजेंट स्मेल महसूस हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम लोगों ने इंसेंस स्टिक को बर्न किया तो जो इसके गैस थे वो रेंडमली सभी डायरेक्शन में मूव करने लगे, और इस रूम में एयर प्रेजेंस है तो एयर के पार्टिकल्स और गैस के पार्टिकल्स आपस में मूव कर मिक्स हो गए और सभी डायरेक्शन में मूव करने लगे। जब ये फाइनली हमारे नोज तक पहुंच गए तो हम लोगों को प्रेगनेंस फील होने लगा। खुशबू, तो गैस के पार्टिकल्स एक प्लेस से अनदर प्लेस तक मूव कर पा रहे हैं, इसीलिए हम लोग फाइनली बोल सकते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो इसी तरह से हम लोगों ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को प्रूफ कर दिया। चलिए अब हम लोग सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट है डिफ्यूजन इन लिक्विड। इसका एग्जांपल है CuSO4 को वाटर में मिक्स करना। जब हम कॉपर सल्फेट को वाटर में मिक्स करते हैं तो जो कलरलेस वाटर होता है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो आइए अब हम लोग इसके पीछे के फेनोमेना को समझते हैं और इस कैरेक्टरिस्टिक को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसके फेनोमेना को हम लोग CuSO4 के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स के मोशन से समझ सकते हैं। पार्टिकल्स के मोशन के कारण CuSO4 का क्रिस्टल का सॉल्यूशन बीकर में अपवर्ड मूव कर रहा है, जो कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। और जो कलरलेस वाटर का जो सॉल्यूशन है वो बीकर में डाउनवर्ड मूव कर रहा है। जब CuSO4 का सॉल्यूशन और वाटर का सॉल्यूशन कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे तो इसी को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन का प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कलरलेस वाटर ब्लू कलर में कन्वर्ट ना हो जाए। चलिए अब हम लोग इसको भी समरी देख लेते हैं। सपोज करिए ये एक बीकर है, जब मैं इसमें CuSO4 का क्रिस्टल डालूंगा इसमें वाटर प्रेजेंट है तो CuSO4 का सॉल्यूशन इस बीकर में अपवर्ड मूव करेगा और जो वाटर कलरलेस वाटर का जो सॉल्यूशन है वो डाउनवर्ड मूव करेगा। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक CuSO4 अपना वादा पूरा ना कर ले। तो CuSO4 का क्या वादा था? CuSO4 ने वाटर से कहा था, मैं तो ब्लू हूं सनम, तुम्हें भी ब्लू कर डालूंगा। मतलब जब तक पूरा कलरलेस वाटर ब्लू कलर में चेंज नहीं हो जाता है तब तक यह प्रोसेस चलता रहेगा। तो हम लोगों ने CuSO4 सॉल्यूशन और कलरलेस वाटर के सॉल्यूशन के मूवमेंट से यह प्रूफ कर दिया कि जो मैटर के पार्टिकल हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किसी तरह का भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thanks for watching and please like, share and subscribe to my channel.